Hi, this is Sumit and you're watching me on Telefilms. Thank you. वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज होता है मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लाइफ में जहाँ पे एक नया किरदार स्टार्ट से स्क्रैच से समझने की कोशिश करते हो जिसमें आपका भी कुछ पार्ट होता है और एक नया इंसान भी होता है जिसको आप अलग से जीते हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होती है और जितना डिफरेंट कैरेक्टर उतनी वो डीप प्रोसेस जाती है बट इस बार थोड़ा ये था कि मुझे इधर भी जाना है फिर वापस इधर भी आना है इधर तो मैं ये कर रहा था हमेशा ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था इसके अलावा आज के लुक के बारे में क्या कहना चाहिए काफ़ी अमेजिंग लग रहे हो आज पता नहीं यार ऑनेस्टली मैं ऐसा कुछ ज़्यादा प्लान करके नहीं आता हूँ मुझे मेरे ऑर्डर में जो अच्छा लगता है उठा लेता हूँ पहन के आ जाता हूँ इतना टाइम ही नहीं है मैं देखिए सबसे दो मिनट का तो हो ठीक है चलो लास्ट मिनट चलो दो मिनट तो हाँ जी दो मिनट तो आप फोरम भी आप दे सकते हो ना हमको देखो तुमको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ अंदर विश करके इनको बोलते निकलना है उमर का उमर कुछ नहीं है पता है हाँ मैंने जी आपने मुझसे पूछा था देखिए एक सबसे पहली बात तो ये है ना कि मैं 4 साल ये किरदार प्ले करके इतना समझ गया हूँ ना कि क्योंकि डेली बेसिस पे जितना मैं काम करता हूँ जितना मैं इस किरदार को छूता हूँ जैसे जितना इसे जीता हूँ सब कुछ ग्रास्प करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हमारी क्षमता उतनी नहीं है जितना ज्ञान मुझे डेली बेसिस पे मिलता है मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं जस्टिस दे सकूँ उसे इन दी एंड में इतना समझता हूँ कि आपको बहुत समझना है अभी लाइफ को जितना आप और सीखते हो लाइफ के बारे में उतना और वो कम हो जाता है जितना भी सीखो लाइफ छोटी लगने लगती है क्योंकि हमने कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं है ऐसा लगता है जितना भी मैं और सीखता हूँ ना एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट क्योंकि लाइफ ऐसा कुछ फिक्स्ड ये नहीं है यू हैव टू एक्सप्लोर इट एवरी सिंगल डे एवरी इमोशन एवरी लर्निंग इट्स नॉट ईजी दैट्स हाउ इट इज़ यस थैंक यू सो मच